शहडोल जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर शहडोल डीआईजी धरातल पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। डीआईजी सुश्री सविता सुहाने जिले के लगभग सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थानों का रिकॉर्ड चेक कर कार्यालय के अलावा महिला हेल्प डेस्क आदि चेक किया। साल भर का रिकॉर्ड चेक कर पुलिस के कार्यों की समीक्षा की गई है। साथ ही पुलिस कर्मियों का हौसला अफजाई करते हुए अभिलेखों के रखरखाव के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए शहडोल पुलिस की कार्यशैली की सराहना की है। शहडोल रेंज डीआईजी सुश्री सविता सुहानी वार्षिक निरीक्षण करने जिले के लगभग सभी थाने पहुंची, जहां पर थाने का रिकॉर्ड चेक कर कार्यालय के अलावा महिला हेल्प डेस्क आदि चेक किए गए। साल भर का रिकॉर्ड चेक कर पुलिस के कार्यों की समीक्षा की गई है। साथ ही पुलिस कर्मियों का हौसला अफजाई की गई और अभिलेखों के रखरखाव के संदर्भ में भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए शहडोल पुलिस की कार्यशैली की सराहना की है। आज अपनी वार्षिक निरीक्षण किया है, कितने थानों किया है, क्या निर्देश? एक्चुअली एक जिले का वर्ष भर में एक बार वार्षिक निरीक्षण होता है। आज जो सुबह परेड हम लोग ने लिया था पुलिस लाइन में, परेड होती है फिर दरबार होता है, उसके बाद अभी मैंने अमलाई का किया हुआ, अभी धनपुरी जाएंगे इसके बाद फिर बुढ़ार का, और फिर उसके बाद बुढ़ार में हमारा बलवा परेड भी सभी थानों का सम्मिलित हम लोग ने रखा हुआ है और ये कंटिन्यू अभी दो तीन दिन चलेगा। कल व्यवहारी सब डिवीजन का है, आज एसडीपी धनपुरी जो है उनके कार्यालय का भी निरीक्षण रहेगा। ये पूरा वर्ष भर रिकॉर्ड वगैरह देखते हैं, थोड़ा कर्मचारियों का भी हौसला अफजाई होता है और दूसरा उनके कार्य का समीक्षा भी हो जाती है। मैडम, आपने निरीक्षण किया, क्या पाया? मतलब कुछ अभी जरूरत है और भी कुछ? क्योंकि ये वर्ष का अंत है, अपराधों का निराकरण सभी जब किया जा रहा है, थाना प्रभारी अमलाई द्वारा भी किया जा रहा है, और जो हमारे यहाँ नियम है कि 1 जनवरी से नया रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन कुछ परमानेंट रिकॉर्ड है जैसे BCNB वगैरह है, तो इनको थोड़ा, वैसे तो काफी अच्छा साफ सुथरा है, संधारित भी अच्छा रिकॉर्ड किया गया है, पर अभी जो नए कर्मचारी हैं, नए लेडी या बेल पर्सन है, उनको बतलाया कि कहाँ कहाँ क्या क्या होना चाहिए और कैसे आपको परवाने जारी करना है या किस तरह कहाँ विवेचना में क्या चीज़ें हैं, सजाया रजिस्टर में क्या एंट्री कैसे करना है या DCNB का रखरखाव अच्छे तरह से करना है, ये आवश्यक चीज़ें बताई।